आज के शुरू में हम आपको बताने वाले हैं ओल्ड टाइप पैकिंग मटेरियल के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपके पास अगर मशीनें हैं, आपने मशीन ले रखी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पहले से, या अगर अभी आप बिजनेस करने वाले हैं, तो उसके रॉ मटेरियल्स आपको पहले उसके रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो भी आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम आपको रॉ मटेरियल्स बताने वाले हैं। तो चलिए हम पैकेजिंग जो रॉ मटेरियल्स रहने वाले हैं, सारे पैकेजिंग रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा, जैसे कि अगर आपके पास से ब्लिस्टर पैकिंग मशीन है, जैसे कि स्क्रबर पैक कर रहे हैं आप, या टूथब्रश पैक कर रहे हैं, या मतलब कि आप मसाला पैक कर रहे हैं, तो इन सब के रॉ मटेरियल की बात बताऊंगा आपको पहले। तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा स्क्रबर से। ये देखिए, ये जो स्क्रबर है, आपको स्क्रबर हमारे यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। ये स्क्रबर आपको 8 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक का स्क्रबर मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस रहने वाला है मात्र, आपको ये SS स्टील है, SS स्टील का प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये आपको 155 रुपये किलो पड़ने वाला है। और इसमें एक आता है GI, जो कि आपको GI मिल जाएगा 130 से 135 रुपये किलो, आपको GI मिल जाएगा, और ये आपको 155 रुपये किलो मिल जाएगा। फिर उसके बाद, अब इसके बाद आपका आता है ब्लिस्टर, जो कि स्क्रबर में लगता है। ये देखिए, ये ब्लिस्टर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ब्लिस्टर की क्वालिटी, देखिए फ्रेश में मिल जाएगा, सेमी में मिल जाएगा, सेकंड क्वालिटी में मिल जाएगा। ये आपको फ्रेश की क्वालिटी है, ये आपको मात्र 155 रुपये किलो आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ से। पूरी दिल्ली से सस्ता रेट आपको बता रहा हूँ मैं इसमें, आपको ब्लिस्टर में आपको रेट बता दूँ, मार्केट के रेट 180 रुपये, लेकिन हम आपको 155 रुपये आपको दे रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप 2-in-1 का पैकिंग कर रहे हैं, आपको पता होगा आप 2-in-1 पैक करते हैं ग्रीन पैड और स्क्रबर, उसका ब्लिस्टर आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। ये भी आपको सेम रेट मिलेगा, 155 रुपये केजी। फिर उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं हम लोग ब्रश पे। जैसे कि आपने ब्रश अगर आप पैकिंग कर रहे हैं, तो ब्रश का रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं, ये है आपके पास ब्लिस्टर। ये ब्लिस्टर भी आपको किलो के हिसाब से आएगा। ये मार्केट में रेट है इसका 220 रुपये केजी, लेकिन हम आपको दे रहे हैं 180 रुपये केजी। ये 180 रुपये केजी आपको पड़ जाएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद इसकी सीट आ जाती है, ये देखिए। अच्छा, ये इसकी सीट है ना? हाँ, ये इसकी सीट है। ये सीट आपको जो है 4 रुपये से स्टार्टिंग है सीट। ये 4 रुपये की सीट है, अलग अलग डिजाइन आप देख सकते हैं इसमें, अलग अलग डिजाइन हमारे पास मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको अलग अलग डिजाइन भेजा जाएगा। उसके बाद हमारे ब्रश से स्टार्टिंग में आती है, देखिए ये ब्रश है अपने पास। ये अपने पास ब्रश 2.5 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 2.5 रुपये, 2.75 रुपये, 3 रुपये। ओरल भी कोलगेट में अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कोलगेट में है, तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 2.5 रुपये से शुरू होने वाला है, 3 रुपये से शुरू होने वाला है कोलगेट कंपनी का। फिर उसके बाद इसका पेपर सीट आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ मसाले के बारे में। जैसे अगर आप मसाला पैक कर रहे होंगे, तो ये मसाला पेपर सीट आपको मिल जाएगा। देखिए ये पेपर सीट आपको मात्र 4 रुपये में हमारे यहाँ से मिलेगा सर। फिर उसके बाद टॉफी भी आप पैक कर सकते हैं, टॉफी भी आपको, टॉफी का पेपर भी आपको 4 रुपये से शुरू होने वाला है। बाकी की क्वालिटी की जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपको मसाले का ब्लिस्टर मिल जाएगा, देखिए ये भी आपको 180 रुपये किलो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। ये ब्लिस्टर आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, टोफी वाले में भी, और ये मसाले में भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और इसकी डाइया वगैरह अगर आपको चाहिए तो डाइया वगैरह भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम स्क्रबर की पेपर के सीट के बारे में बात करेंगे। ये स्क्रबर पेपर सीट है, देखिए ये सब जितनी भी आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लिस्टर पैकिंग मशीन। अगर आपके पास पैकिंग मशीन है ब्लिस्टर वाली, तो आप ये रॉ मटेरियल में आपको उस मशीन का दिखा रहा हूँ। तो ये पेपर सीट आपको मिल जाएगा, अलग अलग डिजाइन में अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको। ये हमारे पास से मात्र 5.5 रुपये से शुरू है, 5.5 रुपये में आपको हमारे यहाँ से पेपर सीट मिल जाएगा। बाकी की क्वालिटी के लिए आप कॉल करें। फिर उसके बाद दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ पाउच पैकिंग के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास बैंड सीलर मशीन है, पाउच पैकिंग मशीन है, तो पाउच पैकिंग मशीन के लिए आपको ये सब रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती होगी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सब आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं सरफ है, सरफ का पाउच अगर आपको लेना है, तो सरफ का पाउच हमारे यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको एक खड़े मसाले का पाउच लेना है, चाय पत्ती का पाउच लेना है, और ये स्क्रब का आपको पाउच लेना है, ये सारे पाउच आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपको सिंगल सिंगल में लेना है, मैदा में लेना है, बेसन में लेना है, ये सारे पाउच हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। मैदा हो, बेसन हो, नमकीन हो, सरफ अगर आपको सिंगल में लेना है, सारे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप लड़ी में चाय पत्ती लेना चाहते हैं, तो ये देखिए ये चाय पत्ती हमारे पास लड़ी में मिल जाएगी आपको। तो ये सारे पाउचेस आपको मिल जाए अलग अलग नाम से। किस हिसाब से मिलते हैं ये पाउचेस? देखिए लड़ी वाले जो पाउचेस है, ये तारा वाला मिल जाए, ये लड़ी वाले जो पाउचेस है, ये पीस के हिसाब से मिलते हैं। जैसे एक लड़ी में 10 पीस होते हैं, और एक पाउच आपको पड़ता है, जैसे कि मार्केट में अगर आप लेंगे तो 90 पैसे का आपको पाउच पड़ेगा। अगर आप हमारे से लेते हैं तो आपको 70 पैसे 65 पैसे में आपको मिल जाएगा ये। फिर उसके बाद
सरफ की अगर मैं बात करूँ, अगर आप ये किलो में लेना चाहते हैं तो किलो में आप ले सकते हैं हमारे यहाँ से 280 रुपये किलो, और अगर आप पीसेस में लेना चाहते हैं तो 65 पैसे का आप हमारे यहाँ से पाउच ले सकते हैं। मैं रेट की बात करूँ तो ये मात्र आपको दोस्तों 280 रुपये केजी मिल जाएगा जी, 280 रुपये के जी। आपके सारे पाउच आते होंगे काफी सारे, उसके क्या कहते हैं, काफी सारे जैसे कि जैसे जो पाउडर फॉर्म के लिए पैकेट्स होते हैं। हाँ हाँ, तो पाउडर जैसे मसाला हो गया और सर्फ हो गया जैसे हल्दी हो गई, मिर्च हल्दी, हो गया, बेसन, सूजी ये आटा, सब। ये सब चीज़। हाँ ये सब, ये सारे अगर आपके पास आपकी मार्केट में जो जो चीज ज्यादा चल रही है आप उसका पाउच का फोटो हमें दिखाइए, हमारे पास जो अवेलेबल होगा हम आपको दे देंगे जी। फिर तो उसके बाद आपके पास सारे पाउचेस मटेरियल मिल जाएगा। हाँ, और कोई भी पैकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसका रॉ मटेरियल उसको चाहिए, तो सब कुछ वही मिलेगा, है ना? हाँ, वो ऐसा होता है ना मार्केट में, जैसे मशीन तो लोग बाग ले लेते हैं, लोग बाग मशीन तो ले लेते हैं, लेकिन मशीन लेने के बाद क्या होता है उनको रॉ मटेरियल की दिक्कत आ जाती है, रॉ मटेरियल को नहीं मिल पाता तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है, वो लोग कहते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है तो हम मशीन का क्या करेंगे। तो उन लोगों के लिए हम लोग ये आज की ये वीडियो लेकर के आए हैं। अगर किसी को भी, अगर कोई हमारे भाई हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या कोई बहने हैं, कितनी लेडीज से भी बिजनेस करती हैं, तो वो हमारे से रॉ मटेरियल ले सकती हैं। फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको जूस पैकिंग के बारे में, अगर आपके पास जूस पैकिंग मशीन है तो आप ये देखिए इस तरह के पाउचेस आपको जूस के मिल जाएंगे, 100 ml में है, 50 ml में है, अलग अलग फ्लेवर, ये फ्लेवर आपको मिल जाएगा, और ये 150 ml में आपको मिल जाएगा पाउच, ये सारे पाउच और सारे फ्लेवर आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, और ये स्क्रबर में, ये वाले स्क्रबर भी मिल जाए, इसे भी ये जूना भी कहते हैं ना, इसे हाँ, हाँ, ये जूना भी मिल जाएगा, इसको कहते हैं प्लास्टिक जूना, बॉडी वॉश जूना, इससे हम लोग नहाते हैं, ये वाला भी आपके पास रॉ मटेरियल इसका मिलता है। हाँ, तो ये मतलब बना बनाया भी मिल जाता है और ऐसे खाली भी, ये बना बनाया हमारे यहाँ से मिल जाए। देखिए अभी मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमारी कंपनी में जो है ऐसा है कि अगर आपके पास रूम, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, और ऐसा होता है कि बिजनेस करने के लिए आपको मशीन भी लेनी पड़ती है, मशीन लेने के लिए आपको लंबी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ऐसा हमारी कंपनी में दूर है कि क्या नाम है, आप जो है रेडी प्रोडक्ट से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं लेना, मशीन नहीं लेनी, तो आप रेडी प्रोडक्ट ले सकते हैं। रेडी प्रोडक्ट जैसे कि आप 50 दर्जन आप जूने से शुरू कर लीजिए, ब्रश से शुरू कर लीजिए, ये रेडी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ये सारे रेडी प्रोडक्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहे। तो अभी मैं आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में बता देता हूँ पहले पूरा, फिर अब इसके बाद आ जाता है ग्रीन पैड के बारे में। जैसे कि ये पाउचेस के अंदर, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये स्क्रब का पाउच है, इसके अंदर आप क्या पैक कर सकते हैं, देखिए आप ये फोम पैड देख रहे हैं, ये फोम पैड आप इसके अंदर पैक कर सकते हैं, इसका रॉ मटेरियल आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। ये ग्रीन पैड अलग अलग, देखिए ये जो है अपने पास 16 mm का कलर बाई कलर में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये 2-in-1 ग्रीन पैड आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, ये 3x4 का ग्रीन पैड आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, 4x5 का आपको 10 mm में ग्रीन पैड मिल जाएगा, ये नायलोन में आपको मिल जाएगा ग्रीन पैड, और ये 4x6 में आपको मिल जाएगा ग्रीन पैड। ये सारे ग्रीन पैड हमारे पास, इनके रेट्स वगैरह कहाँ से शुरू, देखिए इनके रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे 10 mm का, ये वाले का आपका कॉस्ट आता है 2.5 रुपये, तो ये वाले हमारे यहाँ से आप ले सकते हैं 2.20 रुपये में। अच्छा, 4x6 का, फिर उसके बाद 4x5 का आता है, ये वाला 2.40 रुपये मार्केट में रेट है, हमारे यहाँ से आप 2 रुपये से ले सकते हैं। ये 10 mm में हमारा रहने वाला है, मार्केट में आपको सस्ता मिलेगा लेकिन 8 mm का होगा, ये 10 mm का मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद 3x4 का 1.40 रुपये मार्केट में बिकता है, 1.10 रुपये में आप हमारे यहाँ से ले जाए। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये देखिए ये 2-in-1 में आता है, ये आपको मार्केट में 4-4 रुपये 3.5 रुपये का मिलेगा, हमारे यहाँ से आप 3 रुपये में ले जाए। ठीक है। फिर उसके बाद 16 mm में आप ले सकते हैं, ये 16 mm में आपको पड़ेगा 3.5 रुपये का, आपको मार्केट में पड़ता है, आप हमारे यहाँ से 3 रुपये का ले जा सकते हैं। और ये फोम पैड भी आप ले सकते हैं, 2.5 रुपये में आपको मार्केट में मिलेगा, 2 रुपये में आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। नायलोन में भी आप ले सकते हैं, ये वाला आपको पड़ेगा दोस्तों, ये थोड़ा महंगा आइटम होता है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की है, ये आपको पड़ेगा 3 रुपये का, मार्केट में आपको 4 रुपये का पड़ जाता है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है। अगर आप ब्लिस्टर पैकिंग कर रहे हैं, अगर आप हरियाणा साइड से हैं, तो आपके यहाँ ये बॉक्स पैकिंग चलती है ज़्यादातर, ये देख रहे हैं, ये बॉक्स में आप स्क्रबर पैक कर सकते हैं सिंगल सिंगल करके, इसके अंदर 10 पीस आते हैं, ये इस तरह से आपको टैग मिलेगा। अगर आप 2-in-1 ये पैक करना चाहते हैं स्क्रबर, तो 2-in-1 पैक कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ स्क्रबर पैक करना चाहते हैं तो स्क्रबर पैक कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये इस तरीके से आपका फिट होगा। अच्छा, ये ऐसे आता है ना? ऐसे 10 पीस आएंगे आपके ये इसके अंदर। अगर आप पैकिंग पहले से कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आप हरियाणा साइड से हैं, तो हरियाणा में ज्यादा चलता है, ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। इसकी रेट की बात करूँ तो मार्केट में 15 रुपये में आपको मिलता है दोस्तों,
ये हमारे यहाँ से आप 12 रुपए में ले सकते हैं, 11 से 12। ये जो आपने दिखाया ये इसके साथ ही है, 15 रुपए में ये इसके साथ ही दो। हाँ, ये टैग और ये दोनों साथ आता है। 10 पीस टैग आते हैं, ये 10 पीस टैग आते हैं और ये बॉक्स आता है आपको 12 रुपए में। बाकी जो रेट बताया बाकी स्क्रबर वगैरह बिस्तर वगैरह ये तो आपको अलग से लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने पहले बताया था जैसे कि आपको खुद का भी है तो आपको खुद का भी आप पैक बना बनाया माल भी बेचते हो? हाँ जी हाँ जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप छोटे से शुरू करना चाहते हैं बिजनेस तो उस आपके लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन मौका, बहुत ही बेहतरीन हम लोग मौका लेकर आए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप ब्लिस्टर पैकिंग वाला बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो मैं आपको ब्लिस्टर पैकिंग से सारे प्रोडक्ट दिखाता हूँ क्या क्या हम रेडीमेड में रखते हैं। ब्लिस्टर पैकिंग में पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा टूथब्रश, ये देखिए, ये अगर आप हमारे यहाँ से रेडीमेड लेते हैं तो ये आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। हमारी खुद की पैकिंग हुई भी है, ये प्रोडक्ट हमारे खुद की कंपनी का है, ये देख सकते हैं पैकिंग हुआ है, ये आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। ये 12 पीस का आपको मिलेगा, कोलगेट कंपनी का है, ये कंपनी का माल है, ये आपको हमारे यहाँ से मात्र 60 रुपये में आपको मिल जाएगा। 60 रुपये में आपको मार्केट में, मार्केट का अगर मैं रेट की बात करूँ तो 80 से 85 रुपये दर्जन ये मिलता है, मैं आपको 60 रुपये में दे रहा हूँ, होलसेल के रेट है। होलसेल में से मतलब आगे जैसे होलसेल में आप इसको सेल करना चाहेंगे तो आप इसको आराम से 80 रुपये में सेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये देखिए, ये तो मैंने कंपनी का दिखाया, लोकल में आया था, ये लोकल में आपको मिल जाएगा। ये वाला हमारे यहाँ से आपको 45 रुपए से शुरू है, ठीक है, 45 से शुरू है, 60 है, 65 अलग अलग रेंज का है, बाकी के लिए आप कॉल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस अलग डिजाइन में, ये देखिए, मतलब अलग डिजाइन मिल जाएंगे। हाँ, ये अलग डिजाइन है, सेम रेट है ये। फिर उसके बाद ये देखिए, ये ओरल बी में आपको मिल, ये आपको ओरल बी में मिल जाएगा, देखिए। फिर उसके बाद अब मैंने ब्रश की बात करी, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्क्रबर, ये देखिए, ये पारस कंपनी का माल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप पारस कंपनी का नहीं लेना चाहते, दूसरी कंपनी से लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। इसका रेट की बात करूँ, 13 पीस का रहता है दोस्तों, 10 ग्राम इसमें माल रहता है। ये अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आपको 45 रुपये में आपको मिल जाएगा ये रेडीमेड में। ये पारस कंपनी का माल है, ये आपका 60 से 65 रुपये में आराम से सेल होता है। फिर उसके बाद ये आ गया अपना 2-in-1, ये देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था रॉ मटेरियल में, ये 2-in-1 का भी काफ़ी डिमांड में चल रहा है। जैसे अभी त्यौहार आ रहे हैं, अभी दिवाली वगैरह आ रही है, तो कुछ लोग इसको गिफ्ट के तौर पे देते हैं, मतलब कि ये जो पीछे गिन पैड है इसको गिफ्ट के तौर पे देते हैं। तो इसकी लागत आपकी 58 रुपये की आ रही है और आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं आराम से 70 रुपये 75 रुपये आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से अगर आप रेडीमेड में लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, बॉडी वाइज जूना पीपी स्क्रबर इसको कहते हैं, ये आपको हमारे यहाँ से मात्र 28 रुपये में मिल जाएगा। मार्केट की रेट की बात करूँ तो 35-36 रुपये में आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद इसको कहते हैं हम लोग एमएस स्क्रबर, ये आपको एमएस स्क्रबर मिल जाएगा। मार्केट की रेट की बात करूँ तो 65 रुपये दर्जन मिलता है, ये आपको हमारे यहाँ से मात्र 52 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये लोफे में शुरू हो जाता है, देखिए लोफा आपको ये हमारे यहाँ से 55 रुपये दर्जन मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह के लंबे में आप लोफा लेना चाहते हैं, ये देखिए, ये भी काफ़ी चल रहा है, ये भी आपको हमारे यहाँ से 50 रुपये 52 रुपये अलग अलग रेंज, जितना इसके अंदर मीटर का हिसाब होता है। जैसे अगर आप 1.5 मीटर का लेना चाहते हैं, 1 मीटर का, तो अलग अलग रेट है, तो ये 52 रुपये से शुरू है। फिर उसके बाद अगर आप पाउच में स्क्रबर वाला आप रेडी में लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये अभी मार्केट में चल रहा है काफ़ी, इसकी जो है कॉस्टिंग सस्ती आती है। जैसे कि अगर आप पेपर वाले में, ब्लिस्टर वाले में पैक करते हैं तो 45 रुपये कॉस्टिंग आती है, इसकी कॉस्टिंग 35 रुपये आ जाती है, तो ये अभी सस्ता मार्केट में चल रहा है, ये आइटम आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ से रेडीमेड में। फिर उसके बाद क्रीम पैड, जो अभी मैंने आपको दिखाया था रॉ मटेरियल, ये पैकिंग में आपको इस तरह से मिल जाएगा, पैकिंग हुआ हुआ आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ दोस्तों तो मात्र आपको हमारे यहाँ से ये 28 रुपये में आपको मिल जाएगा, मात्र 28 रुपये में। मार्केट की बात करूँ तो 38 रुपये आप इसका रेट रहने वाला है, तो सबसे सस्ते रेट में आपको बता रहा हूँ। ये आता है अपना 2-in-1 ग्रीन पैड, ये देखिए, इसके पीछे ग्रीन पैड है और आगे फोम पैड है, तो ये 2-in-1 ग्रीन पैड आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, मात्र आपको 48 रुपये दर्जन मिल जाएगा। मार्केट की रेट की बात करूँ तो 58 रुपये में आप इसको मार्केट से परचेज करते हैं, तो हमारे यहाँ से 48 रुपये मिल जाएगा। बात करें इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसे रहता है इसके अंदर, लड़ी के ऊपर, या जैसे कि आपने दिखाया कि पूरी लड़ी मिलती है, या हर चीज का जो आपने दिखाया टूथब्रश के अंदर पूरा एक पैकेट होता है, तो उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है इस बिजनेस के अंदर? इसे प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो जैसे ही मैंने आपको लड़ी दिखाई है, ये रेडी प्रोडक्ट की जो मैं बात करूंगा, तो एक मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रोडक्ट पे आप 20 रुपए का मार्जिन रख सकते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट पे 20 रुपए का मार्जिन रख रहे हैं, और अगर आप एक दिन में ऐसे 50 लड़ी आप ये 2-in-1 का ग्रीन पैड सेल कर रहे हैं,
और 50 लड़ी आप सिर्फ जीन पैंट सेल कर रहे हैं या स्क्रबर सेल कर रहे हैं, दिन भर में अगर आप ऐसे 200 ही लड़ी सेल कर रहे हैं ना, तो आप मान के चलो 20 रुपए के हिसाब से आप 6000 रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। ठीक है, ऐसे मतलब टूथब्रश पे भी ऐसे प्रॉफिट रहता है? टूथब्रश पे, ब्लिस्टर वाले में, जैसे स्क्रबर में, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, इन सब पे 20 रुपए 25 रुपए का। अगर आप रिटेल में सेल कर रहे हैं तो 25 रुपए, होलसेल में सेल कर रहे हैं तो 15 रुपए भी अगर आपको मिल रहा है तो काफी है। क्योंकि क्योंकि अगर आप होलसेल को सेल करेंगे ना तो आपको ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि वो एक बार में 100 पीस 200 पीस ऐसे लेता है, रिटेल में सेल करते हैं तो एक बार में 10-15 पीस ऐसे लेता है, तो इसलिए रिटेल में थोड़ा आपको ज्यादा प्रॉफिट आता है, होलसेल में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट आता है, लेकिन आपको फायदा दोनों में ही। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन और, जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है आपसे सामान लेने के लिए, तो कितना उसको माल लेना पड़ेगा, कोई मतलब बजट? देखिए हमारे यहाँ ऐसी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि अगर आप इतना माल लेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अगर ये पाउचेस अगर आप लेना चाहते हैं, 2 किलो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाए, 10 किलो अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाए, 100 किलो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है। सारे पाउचेस आपको मिल जाएंगे, जितना आपकी मर्जी है, आप जो भी रॉ मटेरियल आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से आप एज यू विश आप ले सकते हैं। और पेमेंट वगैरह की बात करें तो कैसे क्या रहता है? पेमेंट वगैरह ऑनलाइन मेथड हमारा रहेगा, जैसे कि अगर आप कहीं बाहर से हैं, आप दूर से हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर आप आकर विजिट करना चाहते हैं तो कैश रहेगा। ठीक है, और GST वगैरह भी माल के ऊपर लगेगा? GST वगैरह तो देखिए मैम, आपको ही पता होगा कि आजकल बगैर GST का कोई काम नहीं होता, आजकल दूध पर भी GST लगकर आ रहा है, आता है ना, तो ऐसे ही अगर आप, जैसे अगर आपका 10,000 का बिलिंग है तो आपको GST उस पर लगेगा 10,000 का, 10,000 के हिसाब से।